पेकान फ्लेवर चाय है, चॉकलेट फ्लेवर चाय है, मसाला फ्लेवर चाय है और एक नॉर्मल सी कुल्हड़ चाय। बस बेरोजगार थी, अब सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मेरा सपना था सेल्फ डिपेंडेंट बनने का। कब तक मम्मी पापा पे डिपेंड रहोगे, कब तक उनका उनके पैसे पे मतलब गुजारा करोगे? आपको खुद का भी तो कुछ करना चाहिए। ये बेसिकली है कि लोगों के बारे में मत सोचो, जो करना है बस कर डालो। अगर लोग क्या सोचेंगे ये सोचते रह जाओगे तो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। काम करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, कोई भी काम छोटा नहीं होता। आप स्टार्ट तो करो, आप उसी काम को और बड़ा बना सकते हो बाद में, लेकिन आप पहले स्टार्ट तो कीजिए ना। एक्चुअली उनकी पर डे की सेल्स देख लो, आप उनकी मंथली सेल्स देख लो, कहीं से भी कम नहीं है कंपनी वालों से या गवर्नमेंट जॉब वालों। कहाँ लिखा है, किस बुक में लिखा है कि लड़कियाँ ये काम नहीं कर सकती? आप अपने दिमाग में पहले से ही सोच लोगे लड़कियाँ ये काम नहीं कर सकती तो कैसे चलेगा? बस लोगों की परवाह मत करो ना, जो आपको करना है बस वो कर डालो। हाँ, मैं बोल रही थी कि पटना जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए, एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए, लेकिन पटना आई थी मैं चाय के लिए। कि आप हर चीज़ का ठेकरा माँ बाप पे नहीं फोड़ सकते हो कि माँ बाप नहीं करने देते हैं, वैकेंसीज नहीं निकलती है, गवर्नमेंट ये नहीं करती है। आप खुद भी तो कुछ जिम्मेदारी लो ना, आप ब्लेम करते चले जाओगे सब कुछ के लिए, मम्मी पापा ने नहीं करने दिया, सरकार ने नौकरी नहीं निकाली तो इसीलिए मैं बेरोजगार हूँ। नहीं, आप इसीलिए बेरोजगार नहीं हो, आप मेहनत नहीं करना चाहते हो इसीलिए बेरोजगार हो। ज़रूरी नहीं है सिर्फ सरकारी नौकरी की जाए, कुछ और भी तो कर सकते हो ना। सर, कंपनी में जॉब करती या कुछ भी करती, जितनी कमाई आप रोड पे देख लो ना, आप खुद ही ऑब्जर्व करो, कंपनी में कमाने वालों से ज़्यादा कमाई रोड पे चाय नहीं बोल रही मैं, जितने भी आप स्ट्रीट फूड वाले हैं या फिर चाय वाले हैं, उनकी भी कमाई कम नहीं है सर, उनको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मेरा नाम है विशाल। अभी हम आपको एक चाय वाली से मिलाने जा रहे हैं। आपने चाय वाला प्रधानमंत्री तो सुना होगा, लेकिन चाय वाली भी आपको बताने जा रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले आपने कई बार IIT चाय वाला, फिर बेवफा सनम चाय वाला हो, या फिर बात करें MBA चाय वाला का नाम सुना होगा, लेकिन पटना के पटना वुमेंस कॉलेज के सामने एक लड़की है जो कि चाय बेच रही है। वो सनसनी बनी हुई मीडिया में लगातार खबरें चल रही हैं और लोगों के लिए कोताहुल का विषय बना हुआ है कि आखिर क्या है पूरा माजरा। हम आपको पूरी तफसील से ये माजरा समझाएंगे। पहली नज़र में तो ये माजरा मेरे लिए मजबूरी लगता है, क्योंकि जिस तरीके से आजकल बेटियां चांद पर पहुंच रही है, कोई भी काम करने से कतराती नहीं है, लेकिन चाय वाला, चाय वाली तो हमने सुना, लेकिन चाय वाली जो जिस तरीके से बेच रही है, कहीं ना कहीं इसके पीछे क्या वजह है जो चाय बेच रही है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं चाय वाली के पास ही, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि इसका स्टॉल देखिए, ये रहा स्टॉल। स्टॉल में क्या कुछ लिखा है ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें लिखा है, लोग क्या सोचेंगे अगर ये भी हम ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। देखिए, सोच विषय है ये, लोग क्या सोचेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं मैम से ही। क्या नाम हुआ मैम आपका? सबसे पहले तो हमारे तमाम दर्शकों को नाम बताएं, क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका। प्रियंका, कहाँ घर हुआ आपका, क्या करती थी पहले, क्या मजबूरी है चाय बेचना, क्या पूरा मामला बताइए। मजबूरी नहीं है सर चाय बेचना जी, बस बेरोजगार थी, अब सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मेरा सपना था सेल्फ डिपेंडेंट बनने का, घर वालों की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन किस कॉलेज से? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी। वाराणसी से आपने बनारस से पढ़ाई किए हैं? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ BHU से ना? सर BHU से 11th 12th किया है और ग्रेजुएशन किया है विद्यापीठ से। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। ये बताइए कि आपने ये आइडिया कहाँ से लाया और क्या सोच के आपने सोचा कि और कुछ और कर सकती थी, किसी कंपनी में जॉब कर सकती थी, फिर आपने चाय बेचने का आइडिया कहाँ से आया आपके दिमाग में? सर, कंपनी में जॉब करती या कुछ भी करती, जितनी कमाई आप रोड पे देख लो ना, आप खुद ही ऑब्जर्व करो, कंपनी में कमाने वालों से ज़्यादा कमाई रोड पे चाय नहीं बोल रही मैं, जितने भी आप स्ट्रीट फूड वाले हैं या फिर चाय वाले हैं, उनकी भी कमाई कम नहीं है सर, उनको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। एक्चुअली उनकी पर डे की सेल्स देख लो, आप उनकी मंथली सेल्स देख लो, कहीं से भी कम नहीं है कंपनी वालों से या गवर्नमेंट जॉब वालों से। प्रियंका जी, एक लोगों के दिमाग में एक सब्जेक्ट बन गया है कि लड़कियां इस तरह के काम नहीं कर सकती हैं, लड़के कर सकते हैं, लेकिन वो घर का चौका बर्तन ही हमेशा करती रही हैं और जो सोफिस्टिकेटेड काम है कंपनी में जॉब करना, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन तमाम वो रूढ़िवादी सोचों को तोड़ करके लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? कहाँ लिखा है, किस बुक में लिखा है कि लड़कियाँ ये काम नहीं कर सकती? आप अपने दिमाग में पहले से ही सोच लोगे लड़कियाँ ये काम नहीं कर सकती तो कैसे चलेगा? बस लोगों की परवाह मत करो ना, जो आपको करना है बस वो कर डालो।
जिद्दी बनो अपने सपनों के लिए, छोड़ दो लोगों के बारे में सोचना। पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर यहाँ पे आपने स्टॉल लगाया है, सिस्टर परेशान भी, मतलब सिस्टम अगर हटा भी सकती है आपको यहाँ से, क्योंकि उनके अपने परमिशन लिया इसके लिए। सर ये एरिया इलीगल है, परमिशन यहाँ नहीं मिलता, ये वेंडिंग जोन नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पे लगाया है। मैं गई थी परमिशन लेने बट मुझे नहीं मिल पाया, तो मुझे कम से कम अभी थोड़ा टाइम लगेगा कुछ अच्छा नया प्लेस फाइंड करने में, उसका बिजनेस रजिस्टर्ड भी करवाना है फिर परमिशन लेना है। अभी मैं बिना परमिशन के ही लगा रही हूँ, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है मुझे। इन्वेस्टमेंट कहीं से हुआ है या फिर खुद के पैसा आपने लगाए, मम्मी पापा के पैसा से? मम्मी पापा को तो पता भी नहीं था, तो मम्मी पापा के पैसे से क्या करती? मम्मी पापा को पता भी नहीं था तो फिर आप? तो वो आने नहीं देते ना पटना, मैं बोल रही थी कि पटना जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए, एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए, लेकिन पटना आई थी मैं चाय के लिए। बेसिकली आप हैं कहाँ से? पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से। पूर्णिया से? बिहार से ही है। मम्मी पापा को पता नहीं पटना में आप चाय बेच रही हैं? अभी पता चल गया, दो अभी पता चल गया। मैंने बताया खुद, क्योंकि उनको पता चल ही जाता। बिल्कुल, क्योंकि न्यूज़ में आजकल आप सेंसेशन है, हर खबर में आप चल रही हैं, तो ऐसे मम्मी पापा को तो पता चलना ही था। चलना ही था, तो इससे अच्छा सोचा मैं ही बता देती हूँ। मम्मी पापा क्या रिस्पॉन्स है, उन्होंने जब सुना कि आप चाय बेच रही हैं पटना के सड़कों पर, तो क्या रिस्पॉन्स था उनका? पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स था सर। पॉजिटिव था, क्योंकि आम जो पेरेंट्स हैं उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको भी लगता है कि नहीं होगा, तो आपके पापा अगर मम्मी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। पेरेंट्स को बस इतना चाहिए कि उनका बच्चा सेटल हो जाए। सेटल हो जाए, हाँ, तो फिर अच्छा करे, कुछ अपना काम करे, तो फिर इसमें क्या ऑब्जेक्शन होगा? पहले ही सोच लेते हैं कि मम्मी पापा नहीं मानेंगे। आप काम करके तो देखिए, जैसे प्रफुल्ल बिलोरे बोलते हैं MBA चाय वाले कि आप हर चीज़ का ठेकरा माँ बाप पे नहीं फोड़ सकते हो, कि माँ बाप नहीं करने देते हैं, वैकेंसीज नहीं निकलती है, गवर्नमेंट ये नहीं करती है, आप खुद भी तो कुछ जिम्मेदारी लो ना। आप ब्लेम करते चले जाओगे सब कुछ के लिए, मम्मी पापा ने नहीं करने दिया, सरकार ने नौकरी नहीं निकाली तो इसीलिए मैं बेरोजगार हूँ। नहीं, आप इसीलिए बेरोजगार नहीं हो, आप मेहनत नहीं करना चाहते हो इसीलिए बेरोजगार हो। ज़रूरी नहीं है सिर्फ सरकारी नौकरी की जाए, कुछ और भी तो कर सकते हो ना। ये बताइए कौन कौन से चाय है, क्या क्या फ्लेवर है, तमाम चीज़ों के बारे में चेक कर सकते हैं, सारा उसमें लिखा हुआ है। और आप बता दीजिए तमाम दर्शकों को, ताकि हम पान फ्लेवर चाय है, चॉकलेट फ्लेवर चाय है, मसाला फ्लेवर चाय है, और एक नॉर्मल सी कुल्हड़ चाय है। नॉर्मल सी कुल्हड़ चाय, सबके रेट बराबर है? नहीं, सेम है। कुल्हड़ चाय का रेट है 15 रुपए और बाकी जो तीनों फ्लेवर है 20 रुपीज, 20 रुपए। लोग आ रहे हैं चाय पीने के लिए? बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं। कितने बजे से कितने, क्या टाइमिंग है आपका चाय का? सुबह 6 बजे से, और दिन का डिसाइड नहीं किया है क्योंकि अभी थोड़ा टाइम लगेगा ना, कब तक करूँ ना करूँ इसीलिए। तो आप यहाँ पर ये सामान रखती हैं फिर कहीं लेके जाती हैं? नहीं, सब कुछ इसी में लॉक हो जाता है और ये इसके साथ उधर लॉक कर देते हैं यहाँ पे। हाँ, क्योंकि ये ले जाना पॉसिबल नहीं, बहुत भारी है। बहुत भारी है, बिल्कुल। तो आपने जो बताया कि बेरोजगारी थी जिसके कारण आपने ये काम किया है, तो क्या लगता है कि और युवाओं को आप किस तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे कि अगर आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है तो फिर आप ये भी काम कर सकते हैं? क्या कैसे समझाएंगे आप तमाम, खास करके अपने ऐसे लड़कियों को जो कि घर से निकलने में शर्माती है, दूसरे से कुछ काम करने में शर्माती, कैसे समझाएंगे आप? काम करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, कोई भी काम छोटा नहीं होता। आप स्टार्ट तो करो, आप उसी काम को और बड़ा बना सकते हो बाद में, लेकिन आप पहले स्टार्ट तो कीजिए ना। शर्म किस बात का, अगर आपको वो काम आपको मतलब आपको अर्निंग दे रहा है, आप बेरोजगार होने से अच्छा कुछ तो कमा रहे हो ना। कब तक मम्मी पापा पे डिपेंड रहोगे, कब तक उनका पैसा उनके पैसे पे मतलब गुजारा करोगे? आपको खुद का भी तो कुछ करना चाहिए। आप चाहते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट हो खुद? हाँ, सेल्फ डिपेंडेंट। आपने एक कोटेशन लिखा है आगे, लोग क्या सोचेंगे, क्या है पूरा बताइए? 10 रुपीज़ ये नहीं चाहता। क्या है पूरा वो, लोग क्या सोचेंगे, क्या आपने लिखा है? ये बेसिकली है कि लोगों के बारे में मत सोचो, जो करना है बस कर डालो। अगर लोग क्या सोचेंगे ये सोचते रह जाओगे तो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में नहीं सोचना है, खुद आगे बढ़ने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। लाइफ आपकी है तो लोगों के बारे में क्यों सोचना, लाइफ आपकी है तो। ये बताइए कि मम्मी पापा का प्यार मिल रहा है, आसपास के लोग कुछ बोलते भी हैं, आसपास के आपके रिश्तेदार फैमिली वाले? सबका सपोर्ट है। चलिए, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि प्रियंका जी हमारे साथ मौजूद थी जो कि चाय वाली हैं, उन्होंने तमाम चीज़ों को लेकर के बताया है और कहा है कि किसी से डरना नहीं है, लोग क्या सोचेंगे ये हम ही सोचेंगे, तो फिर वो क्या सोचेंगे, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा काम चुना है जो कि काफ़ी एक तरफ से टफ है, क्योंकि जिस तरीके से पहले हमने देखा था चाय वाला हो, तमाम IIT चाय वाला हो, फिर MBA चाय वाला हो, फिर वेफा सरम चाय वाला हो, उसमें लड़के चाय बेचते नज़र आते थे, लेकिन इस बार हम पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर जो
नज़ारा देख रहे हैं बिल्कुल बदला हुआ है बेहद, और एक हैरान करने वाली भी बात है जिस तरीके से, और प्रेरणादायक भी बात है जिस तरीके से महिला अब आगे खुद बढ़ रही हैं, लड़कियां समाज में अपना नाम रोशन करने के लिए आगे बढ़ रही हैं, ये प्रेरणादायक भी है। और हैरान करने वाली बात यह है कि जिस तरीके से देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इसी को लेकर के लड़की ये कदम उठाई है कि बेरोजगारी दूर कर सके और खुद सेल्फ डिपेंड हो सके, क्योंकि हर कोई आज चाहता है लड़का हो या लड़की सेल्फ डिपेंड हो, खुद के पास पैसा हो। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें बताइएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।